फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उष्मा। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरी आई हूँ रेसिपी वो है उड़द एंड चावल, उड़द राइस। तो आइए, किस तरह से मैं बनाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने कुछ हरा धनिया है जो इस तरह से काट लिया है, 8 से 10 मैंने ये हरी मिर्च है जो इस तरह से काटी है, मैंने गोश्त लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, मेरा 1 किलो गोश्त है ये और आधा किलो मेरे उड़द हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसको अच्छी तरह से गरम कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने 2 बड़ी प्याज जो थी वो ग्राइंड कर ली है और मैंने अदरक 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का और लहसुन की पूरा 1 फूल लिया है जो इस तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है। मेरा हो चुका है ऑयल गर्म। अब मैं इसमें सबसे पहले गोश्त ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और भूनने के साथ साथ मैं इसमें नमक भी ऐड कर लूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले नमक ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फ्रेंड्स, मुझे बताएं कि आपको उड़द चावल कैसे लगते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट से ज़रूर बताएं। आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं। और प्लीज़, मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये हो चुका है मेरा अच्छी तरह से ये गोश्त फ्राई। अब मैं इसमें ये लहसुन और अदरक और प्याज का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इसमें मिर्च पाउडर, क्योंकि उड़द चावल थोड़े तीखे अच्छे लगते हैं। मैंने हरी मिर्च भी काट रखी है। अब पिसा हुआ धनिया, देखिए धनिया पाउडर 3 चम्मच, आप 4 भी डाल सकते हैं क्योंकि गोश्त मेरा 1 किलो है। ये देखिए 3 और एक ये 4। 2 बड़े चम्मच हल्दी डालूंगी क्योंकि उड़द में हल्दी पड़ती है, लेकिन जब मैंने उड़द जो मैंने अलग उबाल रखे हैं उसमें मैंने हल्दी 2 चम्मच डाली है, नमक डाला है, तेज़पत्ता डाला है और हल्दी मैंने इसमें भी कुछ ज़्यादा ही डाली है क्योंकि हल्दी से ज़्यादा अच्छा होते हैं। फ्रेंड, अब मैं इसमें कम से कम 7 से 8 सीटी दिलाऊँगी ताकि मेरा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और रेडी हो जाए बनने के लिए। फ्रेंड्स, मेरे उड़द हो चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से, फ्रेंड्स देखिए, अब मैं इसको अच्छी तरह से घोट लूँगी। और इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसमें मैंने नमक, हल्दी और तेज़पत्ता ऐड किया है और पानी आप हिसाब से रख सकते हैं कि आपके उड़द गल जाए। मेरा 1/2 किलो उड़द है। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने चावल लिए 4 गिलास और इसको कम से कम 1/2 घंटा भिगो कर रख दिए हैं, तो ये भी रेडी है बनने के लिए। पानी बॉईल कर लिया है, मैं इसमें चावल ऐड करूँगी, साथ में नमक भी डाल दिया है। 4 गिलास के हिसाब से मैंने इसमें 12-13 गिलास पानी ऐड किया है क्योंकि मुझे इसका पीस भी निकालनी है, मतलब जिसको मांड कहते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने इसके पानी निकाल दिया है और ये मेरे बस, अब मैं इसे कम से कम 2 मिनट रखूँगी गैस पर और इसको फिर बंद कर दूँगी। ये ऐसे ही दम आएंगे चावल और बड़े आराम से बन जाएंगे। तो देखिए, इधर मेरा गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है, रेडी है। अब मैं इसे थोड़ा सा भून लूँगी। ये माशाल्लाह, मेरे उड़द भी बिल्कुल घुट चुके हैं, ये मैंने अच्छी तरह से घोट लिया है। तो जब मेरे अच्छी तरह से गोश्त भुन जाएगा तब मैं इसे उड़द में ऐड कर लूँगी और उड़द रेडी हो जाएंगे। देखिए, मेरा भुन चुका है बिल्कुल, ये गोश्त तेल सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसे उड़द में ऐड करूँगी। तो पहले मैं ये गरम मसाला ऐड करूँगी, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और तो देखिए रेडी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी उड़द में। तो फिर प्लीज़, मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे बताएं। और आपको उड़द चावल अच्छे लगते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको पसंद है या नहीं। तो देखिए अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह। अब मैं इसमें एक प्रेशर लगाऊंगी ताकि मेरे उड़द बिल्कुल अच्छी तरह से घुल मिल जाए, अच्छी तरह से तैयार हो जाए। फ्रेंड देखिए बिल्कुल रेडी है मेरा उड़द, आप देख सकते हैं। फ्रेंड देखिए ये होगा मेरा राइस बिल्कुल रेडी, माशाल्लाह भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जो ऊपर बोर्ड निकाल दिया। टेस्टी डिलीशियस उड़द चावल तो इस तरह से बनाएं और खाएं और सबको खिलाएं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ मैं फिर आ जाऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।